हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो कल न्यू ईयर्स पे, न्यू ईयर डे जो है उस पे दो मैच होने वाले हैं। तो पहला मैच जो है उसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ, होबर्ट हरिकेन्स वर्सेस सिडनी थंडर्स पे है, स्पॉटलेस स्टेडियम पे वो मैच होगा जो कि होम ग्राउंड है सिडनी थंडर्स का। तो ये मैच कल का मैच जो कि होने वाला है, दूसरा मैच तो वो पर्थ स्कॉचर्स के होम ग्राउंड पर होने वाला है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ग्राउंड पर। तो पर्थ का जो क्रिकेट ग्राउंड है फेमस, तो सिडनी सिक्सर्स ने भी स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और पर्थ स्कॉचर्स ने भी कर दिया है। तो दोनों स्क्वाड देख लेते हैं, फिर ड्रीम इलेवन टीम बनाएंगे। तो दोनों स्क्वाड देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, वाली जो मैं वीडियो डाल चुका हूँ सिडनी थंडर्स वाली, तो आप वो भी देख लेना, वो वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो ये है, यहाँ पर कैप्टनशिप करेंगे जोहान बोथा, क्योंकि मोज़े ऑनरिक्स नहीं है टीम में, मोज़े ऑनरिक्स नहीं खेलेंगे कल का मैच। तो जोहान बोथा कैप्टनशिप करेंगे, शॉन एबट हैं, सैम बिलिंग्स हैं, बेन डॉसरिश हैं, मिकी एडवर्ड्स हैं, डेनियल ह्यूज हैं, निक मेडिनसन है, पीटर नेवल हैं टीम में, ओकीफ हैं, शायद ही खेले पीटर नेवल क्योंकि विकेट कीपिंग सैम बिलिंग्स कर सकते हैं, स्टीवन ओकीफ हैं, जेसन रॉय हैं, सैम्स हैं, जॉर्डन सिल्क हैं। तो जॉर्डन सिल्क लास्ट मैच में परफॉर्मेंस थी, इसलिए पीटर नेवल को बाहर करके जॉर्डन सिल्क खेल सकते हैं बिल्कुल। तो अब चलते हैं दूसरे स्क्वाड की तरफ, जो कि बड़ा नाम है जो बाहर है, एश्टन एगार। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वोजेस हैं, कैप्टन बोसिस्टो हैं, हिल्टन कार्टराइट हैं, डेविड हैं, इंग्लिस हैं, जॉनसन है, क्लिंगर है, मॉर्टन, ये मॉर्टन जो प्लेयर है, हेडन मॉर्टन नाम है इनका। तो ये नए प्लेयर आए हैं, खेलें ना खेलें उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। तो ये आए हैं आपके एश्टन एगार की जगह, तो एश्टन एगार नहीं खेलेंगे, बड़ा नाम है एश्टन एगार तो उनको नहीं लेना है। जेम्स म्यूरिड हैं, जाय रिचर्डसन हैं, टर्नर हैं, एंड्रू टाय हैं और डेविड विली हैं। तो अब ड्रीम इलेवन टीम बना लेते हैं जल्दी से। तो सैम बिलिंग्स को विकेट कीपर लेना सही रहेगा, क्योंकि जॉस इंग्लिस जो है बहुत नीचे बैटिंग करने आता है, पीटर नेवल का खेलना मुश्किल है, और जॉश फिलिपे जो है वो स्क्वाड में ही नहीं है। बैटिंग की तरफ चले तो पांच बैट्समैन मैंने लिए हैं, जो कि हैं माइकल क्लिंगर, जेसन रॉय को लिया है मैंने, एडम वुजिस को लिया है, इनकी बैटिंग आएगी तो रन्स करेंगे पक्का, ये सॉलिड बैट्समैन है। यहाँ से लिया है डेनियल ह्यूज को लिया है और हिल्टन कार्टराइट को लिया है। एक ऑप्शन जो कि रिस्क मैंने लिया है वो कि है निक मेडिसन को, निक मेडिसन को मैंने नहीं लिया अपनी टीम में, एक रिस्क है। 62% लोगों ने लिया हुआ है उनको, तो उनको मैंने आज के मैच में नहीं लिया है, निक मेडिसन को आप ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं उनको लेना। फॉर्म मैं क्या बोलूँ, ठीक ठाक फॉर्म है उनकी, रन्स कर सकते हैं कल के मैच में, पर जो बॉलिंग है पर स्कॉचेस की बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है, इसलिए मैंने निक मेडिसन को छोड़ा है। आप जेसन रॉय को छोड़ सकते हैं या फिर बेन डॉसरिश को छोड़ सकते हैं, और आप निक मेडिसन को अपनी टीम में ले सकते हैं। यहाँ से अगर मैं ऑलराउंडर बताऊँ तो डेविड विली को लिया है सिर्फ मैंने, क्योंकि एश्टन एगार नहीं खेलेंगे, और यहाँ से मोज़े हेनरिक्स भी नहीं है, मिचेल मार्श तो है ही नहीं, तो दो ऑप्शन आपके पास बचते हैं जो कि है जोहान बोथा और स्टीवन ओकीफ। तो इन दो ऑप्शंस के साथ आप जा सकते हैं अगर आप जाना चाहते हैं यहाँ से एक बैट्समैन कम करके या फिर एक बॉलर कम करके यहाँ से आप जा सकते हो। तो मैं बॉलर बता देता हूँ आपको, मिचेल जॉनसन को नहीं ले पाया क्योंकि क्रेडिट तो है, पर एंड्रू टाय ज़्यादा अच्छे बॉलर मुझे लगते हैं, क्योंकि मिचेल जॉनसन से ज़्यादा विकेट ये ले सकते हैं मुझे ऐसा लगता है। तो एंड्रू टाय को मैंने यहाँ से लिया है, यहाँ से मैंने लिया शॉन एबट को, जाय रिचर्डसन को लिया है और बेन डॉसरिश को लिया है। तो बेन डॉसरिश की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, एक मैच में 33 पॉइंट्स हैं तो अच्छी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। बैटिंग में भी उन्होंने थोड़े बहुत रन्स करे थे और आई थिंक दो विकेटें उन्होंने ली थी। अच्छे बॉलर है लेफ्ट आर्म और बेन डॉसरिश, तो उनको लिया है। यहाँ से जाय रिचर्डसन लिया है, शॉन एबट है और एंड्रू टाय है। तो किसी एक बॉलर को अगर हटा करके यहाँ से एक ऑलराउंडर ले सकते हैं, वो जोहान बोथा हो सकते हैं और स्टीवन ओकीव हो सकते हैं, जो कि चार चार, जोहान बोथा तो चार ओवर करेंगे, स्टीवन ओकीव भी तीन चार ओवर करते हैं, बैटिंग ठीक ठाक कर लेते हैं दोनों, तो उनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट कर लेता हूँ, कैप्टन वाइस कैप्टन बना के दिखाता हूँ। तो कैप्टन इस मैच में मेरे माइकल क्लिंगर रहने वाले हैं, क्योंकि सॉलिड बैट्समैन है, बहुत सॉलिड बैट्समैन है, थोड़ा ये रिस्क इनके ऊपर कम रहता है कि रन्स करते हैं हर मैच में, बहुत ही सॉलिड बैट्समैन है, इसलिए मैं उनको कैप्टन बना रहा हूँ। वाइस कैप्टन मैं डेविड विली को बना रहा हूँ, क्योंकि लास्ट मैच में ओपन करा था उन्होंने साथ में ही माइकल क्लिंगर के साथ, तो बॉलिंग भी कराते हैं, दो तीन तीन चार ओवर कराते हैं और विकटें तो निकाल ही लेते हैं, इसलिए मैं उनको वाइस कैप्टन बना रहा हूँ, और बैटिंग भी करते हैं तो उनको आप कैप्टन भी बना सकते हैं। वाइस कैप्टन आप यहाँ से क्लिंगर कर सकते हैं, या फिर एक अच्छा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, डेनियल ह्यूज कर सकते हैं, वो खेल सकते हैं, इनकी बॉलिंग अच्छे सॉलिड बैट्समैन है डेनियल ह्यूज भी, तो इनकी बॉलिंग को संभाल सकते हैं, पर स्कॉचर्स की इनको आप ले सकते हो। तो यहाँ से वाइस कैप्टन तो मैं अपना क्लिंगर को ही रखूँगा, आपको ऑप्शन बता रहा था मैं, तो ऑप्शन आपके पास रहने वाले हैं। यहाँ से डेनियल ह्यूज रहेंगे, बेन जेसन रॉय तो ऑप्शन हमेशा रहते ही हैं, क्योंकि आपको पता है जिस दिन चल गए तो वो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाएंगे। हिल्टन कार्टराइट एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके पास, एडम वो जिसको कैप्टन बनाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि नीचे वो आते हैं, तो उनको कैप्टन मेरे हिसाब से आप ना ही बनाए तो ठीक रहेगा। तो किसी एक बॉलर को भी आप बना सकते हैं, जैसे कि एंड्रू टाय हैं तो हर मैच में वो विकेट लेते हैं, तो एक बॉलर को आप कैप्टन बना सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शन है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाना भाई, और जो चैनल जो सब्सक्राइब करोगे उसके सामने बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर देना, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।
तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।